नमस्कार। एक अंतराल के बाद आज की समीक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा राजस्थान में के राजनीति के ऊपर। मैं हूं पीसी सिंह। आजकल राजस्थान काफी लोगों की नज़र पर है, देश में लोग उसी की ओर देख रहे हैं। हो क्या रहा राजस्थान में? आपको पता होगा कांग्रेस के अंदर उसके अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी हो रही है और उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे प्रबल दावेदार थे। ये क्लियर हो रहा था कि अल्टीमेटली, चूंकि वो गांधी नेहरू परिवार के सबसे चुनिंदे व्यक्ति हैं और उन्हीं के तरफ से इनका नाम आया था, इसलिए वो इसके उनके जीतने की बात लगभग तय हो चुकी थी। लेकिन अचानक राजस्थान में एक भूकंप सा आ गया और राजस्थान के तकरीबन 90 MLA ने विद्रोह कर दिया। कारण उसका यह है कि अशोक गहलोत पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो किसी कीमत पर भी राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब केंद्र से इस मुद्दे को सुलटाने के लिए केंद्र से पर्यवेक्षक के रूप में दो कांग्रेस के प्रमुख नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जब वहां पर गए हैं, तो आपको जानकर के आपको यह भी आश्चर्य हुआ होगा कि केंद्र का पर्यवेक्षक कांग्रेस का और जो रेबेलियन कांग्रेस का MLA है, वो यह कह के उनसे मिलने से कन्नी कटा गया कि वो लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं, ये नवरात्रि का के पूजा के स्तर उसको मनाने के लिए। कौन विश्वास करेगा जिसको राजनीति की थोड़ी भी समझ है? कोई इस बात को विश्वास करेगा जो अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कि इन लोगों के ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं हेल्पलेस हूं, मैं इस मुद्दे पर कुछ कर ही नहीं सकता हूं। ये बात कुछ अटपटा सा लग रहा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जो कांग्रेस का, जो गांधी नेहरू परिवार का सबसे पसंदीदा, जिसको लॉयलिस्ट कहा जाता था, लॉयलिस्ट में अग्रणी थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और उन्होंने आज अचानक पलड़ा अपना बदल दिया है, ये बात स्पष्ट हो गया है। और अभी आज की जो खबर आ रही थी कि अशोक गहलोत हो सकता है कि वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़े। कुछ दिन पहले भी और भी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही थी कि अशोक गहलोत किसी कीमत पर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की घटना पहले भी हुई है, अन्य राज्यों में भी हुई। आज जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कांग्रेस में जो नेहरू और गांधी परिवार है वो अपनी पकड़, उसकी जो पकड़ है वो ढीली होते जा रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस अब उस तरह की बात नहीं रह गई जिस तरह से इंदिरा गांधी थी, और अब हम देख रहे हैं कि इंटरनल रेबेलियन, जिसको कि G23 और कांग्रेस के बाहर से भी लोग उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिसको कि अगर उनका ग्रिप कमजोर हो रहा है, कमजोर तो हो रहा है क्योंकि उनके लॉयलिस्ट आदमी उनको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी आज के डेट तक भी जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो नेहरू गांधी परिवार कहा जाता है, कांग्रेस में सबसे जो सत्ता का केंद्र है वो है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों यही अशोक गहलोत, क्यों शशि थरूर केरल में जो राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे तो वहां जाकर मिले हैं? और इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आपको दो दिन पहले जब नीतीश कुमार और लालू यादव जो सीजन पॉलिटिशियंस रहे हैं, वो जब उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस में कोई भी विपक्षी एकता का प्रयास होगा तो कांग्रेस को नजरअंदाज करके नहीं किया जा सकता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब अशोक गहलोत का क्या हश्र होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अशोक गहलोत अब नेहरू गांधी परिवार के गुड बुक में तो नहीं है, ये तो तय हो चुका है। हाँ, उनके कुछ और इरादे हो सकते हैं, कुछ और स्वप्न हो सकते हैं। राजनीति में सबको अपना अपना अधिकार है, प्रजातंत्र में। अब देखिए, कुछ दिनों पहले पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, तो वो किसी से कम नहीं कमजोर थे, लेकिन काफी जो कहते हैं टॉल क्लेम्स करने के बाद भी आज बीजेपी के साथ चले गए। अब अशोक गहलोत का अगला कदम क्या होगा, या राजस्थान में फिर सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका क्या हश्र होगा, या कांग्रेस के अंदर
क्या होगा ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन आज के दिन भी कई मीडिया चैनल पर मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी कमजोर हो रहे हैं, उनका ग्रिप कमजोर होता जा रहा है। लेकिन जो जिन दो चीजों के बारे में मैंने कहा कि अगर कांग्रेस कमजोर हो रहा है, अगर इन लोगों का ग्रिप कमजोर हो रहा है, तो फिर क्यों जो उनका विरोध कर रहे हैं केरल में राहुल गांधी से, जब वो पदयात्रा कर रहे हैं साउथ इंडिया का, उनसे मिलने जाते हैं। और विपक्ष के दो बड़े नेता, जिसमें एक तो प्रधानमंत्री अगली बार प्रधानमंत्री के लिए दावेदार है, वो साफ साफ कह रहे हैं बिना कांग्रेस का कोई विपक्षी एकता संभव नहीं है। और जब 2024 का चुनाव आ रहा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर अगली बार मिलूंगा, कल मिलूं या फिर जब भी मिलूं आपसे, तो मैं किसी और किसी इसी तरह के रोचक प्रसंगों पर आपके साथ रूबरू होऊंगा। धन्यवाद। 5 मिनट।